तो गाइस जैसे कि आप लोग जानते होंगे YouTube मोनेटाइजेशन का एक न्यू रूल आ चुका है। जैसे कि आप लोग स्क्रीनशॉट पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक और चीज़ करना पड़ता है जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो ये तो मेरा पहले से कंप्लीट है, आप भी ये कैसे कर सकते हो वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, चलिए आते हैं मेन मुद्दे पर। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि आपका चैनल अगर मोनेटाइज नहीं है तो भी आपका ये वेरिफिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए मेरे मोबाइल स्क्रीन पर, तो गाइस यहाँ पर मैं अपना मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो पहले आप अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका क्रोम ब्राउज़र लॉगिन होना चाहिए उस जीमेल आईडी से जिस जीमेल आईडी आपका यूट्यूब चैनल लॉगिन है। तो चलिए यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर सर्च करना होगा यूट्यूब स्टूडियो, यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपका जो पहला रिजल्ट आता है वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने के बाद आपका जो यूट्यूब का क्रिएटर स्टूडियो का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर साइड में देखो एक मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस आएगा जहाँ से आप अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक स्टेप कंप्लीट करना पड़ता है, वो है यहाँ पर देख सकते हो टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो इसको कंप्लीट करने के लिए सिंपली यहाँ पर टर्न और नाउ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐसा एक मैसेज आएगा, तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपका पहला स्टेप आ जाएगा जहाँ पर पहले ही लिखा है टू कंटिन्यू फर्स्ट वेरीफाइड इज यू। तो यहाँ पर आपका जीमेल आईडी का पासवर्ड देना होगा, तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना जीमेल आईडी का पासवर्ड दे चुका हूँ। अब आपको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा स्टेप आएगा, तो देखिए थोड़ा लोडिंग हो रहा है। इसके बाद दूसरा स्टेप आया, तो यहाँ पर आपका जो मोबाइल है वो यहाँ पर शो हो रहा है, मेरा पोको M3 मोबाइल है तो यहाँ पर शो हो रहा है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पर नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि आप जिस मोबाइल नंबर से आप टू स्टेप वेरिफिकेशन कर रहे हो वो मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो चुका है। तो यहाँ पर नीचे सिंपली स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर लिखा है हाउ डू यू वांट टू गेट कोड, मतलब आप कैसे अपना कोड लोगे, टेक्स्ट मैसेज करके या फिर कॉल करके। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज ही सिलेक्ट रहने देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर सेंड में कर देता हूँ। सेंड करने के बाद मेरा जो OTP है मतलब जो कोड है वो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। तो मेरे नंबर पे एक कोड आ चुका है, इस कोड को मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पर वेरीफाइंग पिन हो रहा है, उसके बाद ऐसा एक इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर लिखा है टर्न ऑन। तो यहाँ पर सिंपली आप टर्न ऑन पे क्लिक करके आपका जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मेरा भी कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हो, तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा टू स्टेप का वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे करके आप सिंपली अपने मोबाइल से ये स्टेप कंप्लीट कर सकते हो। तो गाइस कुछ ऐसे तरीके से आप भी अपने मोबाइल से कर सकते हो टू स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट। तो आज के वीडियो इतने, मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय।